माफ कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं आपकी समझदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी फौज ऑटोबॉट को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मुंह तोड़ जवाब? शायद तुमने देखा नहीं कि ऑप्टिमस प्राइम ने एक झटके में चट्टान के दो टुकड़े कर दिए। जब तक उसके पास स्टार सेबर है, मेरा दुश्मन हम सबको हंसते हंसते खत्म कर देगा। मुझे भी किसी तरह उतनी ताकत हासिल करने के लिए कुछ करना होगा। हमारे पास भी तो पूर्वजों का शक्तिशाली रेलिक मौजूद है लॉर्ड मेगाट्रॉन। बिल्कुल, फोर्ज ऑफ सोलस प्राइम, लेकिन वो सिर्फ एक प्राइम के हाथ में ही काम करेगा। अगर मुझे ताकतवर बनना है तो मुझे ऐसा ही हाथ चाहिए। ऑप्टिमस, अल्फा ट्रायन तुमसे क्या कह रहे हैं? काश मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुना पाता ऑप्टिमस प्राइम, लेकिन मुझे डर है कि आयाकॉन डिसेप्टिकॉन के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपने इस संदेश को जंग के दौरान तैयार किया था। अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो मुझे तसल्ली है कि स्टार सेबर इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। मेरे ख्याल से तुम अब तक समझ गए होगे कि सारे साइबरट्रोनियन रेलिक्स और डिसेप्टिकॉन हथियार उस अनजान दुनिया पर कैसे आए। उन्हें मैंने ही वहां भेजा था ताकि मैं उन्हें मेगाट्रॉन के शैतानी हाथों से दूर रख सकूं। तुम्हें भी इस बात पर यकीन होगा कि प्राइम्स के रखवाले आने वाले कल और गुजरे कल का हिसाब एक किताब में रखते हैं। मैं उसे पूरी तरह तो नहीं समझ पाया, लेकिन जितना कुछ भी समझा हूं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसके पन्नों में लिखा है कि तुम ऑप्टिमस प्राइम एक छोटी पर बड़ी अहम दुनिया पर जाओगे और वहां तुम डिसेप्टिकॉन्स के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखोगे। मुझे पता नहीं वो लड़ाई कितनी भयानक होगी या उसे कौन जीतेगा। बस उम्मीद करता हूं कि पूर्वजों के बनाए रेलिक्स मुश्किल के वक्त में ऑटोबॉट्स के काम आए। अब सबसे जरूरी बात, कुछ ही देर में मैं आखिरी रेलिक्स का पता तुम्हें भेजूंगा, जो अब तक के रेलिक्स से सबसे अहम और सबसे ताकतवर होंगे। आराम से ऑप्टिमस। क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? क्या संदेश भेजा है? हमें जान दांव पर लगाकर आखिरी बचे चार रेलिक्स को हासिल करना होगा, उन ओमेगा कीज को। कीज किस लिए? हमारे अपने प्लैनेट को दोबारा जिंदा करने के लिए। धरती के चांद पर तो कुछ भी नहीं है, है ना? सही कहा ड्रेडविंग, लेकिन हम चांद पर नहीं जा रहे। एक स्पेस ब्रिज धरती पर। ऑटोबॉट्स को इसके ठिकाने का पता चल गया था, इसलिए मैंने इसकी जगह बदल दी। चांद के अंधेरे हिस्से में होने से इसे इंसान भी नहीं देख पाते और ये ऑटोबॉट की पहुंच से भी बहुत दूर है। आओ ड्रेडविंग, गैलेक्सी में उस जगह चलते हैं जहां से हमें वो साधन मिल सकता है जिससे हम प्राइम को खत्म कर सकते हैं। सामान बांध लो, हम साइबरट्रॉन जाने वाले हैं। हमें यकीन करना पड़ेगा बम्बलबी, हम सब वहां लौट कर जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी अभी आया हूँ। तेल में नहाना याद है?
मैं तो अपने प्लैनेट पर पहुंचकर सबसे पहले वही करने वाली हूँ। ये खबर मीको को देनी है और जैक को। ऑप्टिमस, चाबियां दरवाजे खोलती हैं। क्या वो पूरे प्लैनेट में जान भी डाल सकती हैं? वैसे तो मैं ओमेगा की इसकी असली ताकत से अनजान हूँ, लेकिन अल्फा ट्रायन कई राज जानते थे और हमारे पूर्वजों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिस तक आज का मॉडर्न साइंस पहुंच भी नहीं सकता। हमारे प्लैनेट का हाल तो मुझसे देखा भी नहीं जाता। इस सब के जिम्मेदार वो ऑटोबॉट्स ही हैं। वो ये कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइबरट्रॉन को दोबारा बसाने के लिए हमें ओमेगा कीज की जरूरत है। इसका मतलब उसमें से एक भी मेगाट्रॉन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अल्फा ट्रायन के दिए चार कोऑर्डिनेट्स अभी तक एनक्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की जरूर मिलेगी। मैं उन्हें डिकोड ना कर लूं तब तक यहां से नहीं हिलूंगा। हमारी अपनी दुनिया का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। एक कब्र। प्राइम्स की लाशों को इन्हीं में रखा जाता है। अब ये मत कहना कि तुम एक अंधविश्वासी हो। इस जगह को देखकर मेरे दबे जज्बात फिर उमड़ पड़े। मुझे अपने जुड़वा भाई की याद आ गई। फिर तो तुम्हें फौरन इसे खोलना चाहिए, क्योंकि